अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त जगन सुनने वाले खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर जैसा कि मेरे चैनल पे आपको डेली बेसिस के ऊपर अच्छी वीडियोस देखने को मिल रही हैं, तो आज की वीडियो के अंदर भी मैं जो है कि अच्छी एक वीडियो मतलब के लाइक रेडी की है मैंने, ठीक है ना, एक न्यू कार के बारे में और अमेजिंग से कार के बारे में। तो दोस्तों आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, चलेंगे डायरेक्ट वीडियो की तरफ। लेकिन अगर चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर दीजिए। तो दोस्तों अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं कार्स वगैरह के बारे में रिव्यू कर रहा हूँ, लाइक टोटली जो है ना ऑयल एक्स के प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू कर रहा हूँ। तो आज भी मैं यूं ही जो है कि प्रोडक्ट करने वाला हूँ एक कार का। दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखें टोयोटा करोला के ई 1982 ड्रिफ्ट कार जो है ना टोटली मतलब कि देखें टोयोटा करोला के ई 70 यहाँ तक जो है ना इसका मॉडल बनता है, बाकी जो है कि मॉडल के अंदर नहीं आता, वो फिर कार कब बनी ये तो उसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। टुडे का एड है, आज का ये एड है दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात बता चलूँ तो पंजाब के अंदर लाहौर, हरबंसपुरा के अंदर आपको लाहौर पंजाब में ये कार देखने को मिल जाएगी, जो ओनर है जो सेल कर रहे हैं। डिटेल के बारे में बात करता हूँ, मेन टोयोटा कंपनी है इनकी, मॉडल इनका करोला XE है, ईयर 1982 के अंदर ये कार बनी थी। और अगर बात की जाए ड्राइव की, इसकी कितनी ये ड्राइव की गई है, तो 1,20,000 किलोमीटर तक ये कार ड्राइव हुई है। फ्यूल इसकी पेट्रोल पे है, कंडीशन इसकी यूज़ में है, और रजिस्टर ये लाहौर के अंदर हुई है। डॉक्यूमेंट्स टोटल डिस्क्रिप्शन के ऊपर आ जाएं तो कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में देता चलूँ। इसका टोयोटा करोला 1982 का ये मॉडल है KE70, ठीक है ना, और ये जो है कि सेल के लिए है, ठीक है ना। रेयर व्हील ड्राइव है, ठीक है ना, वैन शेप डिश अर्ली व्हील्स विद सेमी सिल्क टायर्स, नो वर्क रिक्वायर्ड, मतलब कि बिल्कुल ओके हैं, वर्क की कोई रिक्वायर्ड नहीं है। कि मतलब आप जो एक कार ख़रीद के उसके ऊपर अगर कुछ पैसे लगाना चाहें, लाइक कुछ कारों के ऊपर पैसे लगाना चाहें, तो पहले से ही ओनर ने मेंशन कर दिया कि आपको कोई वर्क की ज़रूरत नहीं है। इंजन, सस्पेंशन, टायर्स, इलेक्ट्रिकल 10% गारंटी है, मतलब कि आउट ऑफ 10 है, मतलब कि 10 of 10 इसकी जो है कि जो ओनर है वो कह रहा है कि बिल्कुल ओके, इंजन आपका, सस्पेंशन की गारंटी दे रहा है, टायर्स की गारंटी दे रहा है, एंड इलेक्ट्रिकल की। इंजन एंड गियर इज ऑल्सो इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन, इंजन आपका और साथ ही गियर जो है गाड़ी के, वो कह रहे हैं कि वो लाजमी ख़ास तौर पर वो जो है ओरिजिनल कंडीशन के अंदर, मतलब उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं है। फिर बड़ी बात यार, 1982 की कार है, बहुत पुरानी है, लाइक न्यू जो है कि कार्बोरेटर इंस्टॉल्ड, इसके अंदर न्यू कार्बोरेटर जो है कि वो डला हुआ है। जो कंपनी से आया था वो शायद एक्सपायर हो गया होगा या ख़राब हो गया होगा, तो अब इसके अंदर न्यू डाला गया, ऑनर का कहना है। HIDS, स्पोर्ट्स गियर नॉब, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडोज, चिल AC, यहाँ पर आपको देखिए ना, पावर स्टेयरिंग देखने को मिलेगा, पावर विंडो देखने को मिलेगी, HIDS मिलेगा, स्पोर्ट गियर नॉब देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना चिल मतलब कि मज़े के लिए AC आपको देखने को मिलेगा विदाउट हीटर, हीटर यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि 1982 की मॉडल है तो पुराना मॉडल है, ठीक है ना। और अगर बात की जाए सीट्स की, तो यहाँ पर न्यू सीट पॉलिश डन हुआ है, मतलब कि जो पोजिशन हैं जो वो है कि वो न्यू सीट की, न्यू डोर कार्ड्स लगे हुए हैं, लाहौर रजिस्टर है, ठीक है ना ये, और ये अवेलेबल भी लाहौर के अंदर है। तो बेसिकली इसकी मैंने कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात की थी कि भाई कंपनी कौन सी है, मॉडल वगैरह कितना टाइम चली हुई है, यूज़ में है, न्यू में है, फ्यूल कौन सा है, कहाँ की है, तमाम इंजन वगैरह के बारे में। अब दोस्तों अगर मैं इस कार की कुछ पिक्चर्स वगैरह की बात करूँ तो आपको पिक्चर दिखाता चलूँ। आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ मैं, नाइनटीन एटी टू का मॉडल है ये बेसिकली, ठीक है ना, लाइक पुराना मॉडल है, तो ड्रिफ्ट कार है, एक किस्म की है, ड्रिफ्टिंग जो कार होती है ना, इसके आप टायर चेक करके खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, लाइक जंपर बड़े अच्छे लगे हुए हैं, देख सकते हो आप, इसलिए ड्रिफ्ट होती है कार। लग्जरी कार, लग्जरी सीट्स है, न्यू पोजीशंस के अंदर हैं, पॉलिश हुआ है, सब लेदर सीट्स है।
बैक व्यू आप चेक करो। बेसिकली कहने का मकसद ये कार बिल्कुल ओके कंडीशन के अंदर है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लाहौर के अंदर पंजाब में आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा अब बात की जाए इसकी पैसों की, भाई है कितने की डिमांड क्या है, 380,000 रुपये की टोटल ये कार है, 380,000 की ये डिमांड कर रहा है जो ओनर है इसका। दोस्तों बाकी जो एक स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दी है, तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो बाकी जो है कि आज की वीडियो के अंदर इसी के बारे में रिव्यू था। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये कार के लिहाज से प्राइस इसकी ठीक है यार, कार के लिहाज जितनी पुरानी कार है तो उस हिसाब से प्राइस है। टोयोटा करोला K70 इसका मॉडल नंबर है 1982 की, बेसिकली बस ये इसकी इंफॉर्मेशन है। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बस आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलेंगे इस तरीके से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।